हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। मैं नील मानिकपुरी, हमारी यूट्यूब चैनल निर्जरा ब्लॉग्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ विशेष सूचना आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, एक विशेष जानकारी जो सभी ध्यान रखें बाल बच्चे वाले। हमारे प्रतापपुर मामा होटल से एक लड़का जो कि गुमशुदा हो चुका है 29 जनवरी को, जो अभी तक नहीं मिला है, और प्रतापपुर और क्या बोलते हैं अंबिकापुर से रेस्क्यू टीम भी आया हुआ था, जो कि मक्की तालाब में सर्च भी किए कि शायद डूब गया हो, तो वहाँ पर भी उसका पता नहीं चला और बच्चा का अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। 29 जनवरी को लगभग वही 4 बजे के लगभग से बच्चा का पता नहीं चल पा रहा है। और आपके पास भी बच्चे हों तो आप लोग सतर्क रहें, आपके बच्चे को अगर कोई अनजान व्यक्ति कुछ खाने पीने के लिए देता है, अगर स्कूल भेजते हैं तो वो न ले खाने पीने के लिए, तो बच्चों को सिखा करके स्कूल भेजें और ध्यान में रखें अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो। और अगर बच्चा लेट से आ रहा है तो उसका भी जल्दी से ध्यान दें कि बच्चा अभी तक कहाँ है, और वो बच्चा लगभग 10 साल का है, पता नहीं चल रहा है। और सूरजपुर से एक रजवाड़े जाति का लड़का है, वो भी 29 जनवरी को लापता हुआ है और लगभग वही 5 बजे के लगभग में उनका भी पता नहीं चल पा रहा है। और एक धमतरी जिला से वो भी 29 तारीख को लापता हुआ है, उसका भी पता नहीं चल पा रहा है। वो बच्चा 15 साल का लगभग है और स्कूल के लिए वह 9 बजे घर से निकला हुआ था और स्कूल ड्रेस में है, और उसका पता नहीं चल पा रहा है कि वो बच्चा कहाँ गया, वो भी लापता है। और एक लेडीज 35 साल की थी लगभग, और उसका बच्ची थी साथ में 7 साल की, तो उन लोग भिलाई से बैकुंठपुर चिरमिरी के लिए निकले हुए थे ट्रेन में, और उनका भी पता नहीं चल पा रहा है वो लेडीज़ की कहाँ गई, कहाँ उतरी। और क्या बोलते हैं, उस लेडीज़ का फ़ोन में भी फ़ोन लगाने से स्विच ऑफ बता रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा है उसका मोबाइल, जो कि बंद है। तो आप भी अपने बच्चे को स्कूल वगैरह भेजते हैं तो सतर्क रहें, और ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो कोई कुछ खाने पीने के लिए दे रहा है तो ना लें, और अनजान व्यक्तियों से ज़्यादातर बातचीत न करें, और ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो सुरक्षित से करें, ज़्यादा देर तक ट्रेन में सोए भी नहीं। अगर रात में सफ़र कर रहे हैं तो अपना ध्यान रखें, लूटपाट भी चल रहा है ट्रेन स्टेशन में, ऐसे मीडिया का कहने अनुसार से मैं बता रहा हूँ कि लूटपाट भी बहुत चल रहा है, सवारियों के साथ लूटपाट हो रहा है ट्रेन में, तो अपना ध्यान रखें सफ़र करते वक्त ट्रेन में भी। और बाल बच्चे वाले हैं तो अपने बच्चे को सतर्क रखें, अच्छे से रखें स्कूल भेजते वक्त, और स्कूल में भी गुरुजी लोगों को सूचना दे दें कि बच्चे लोग को ध्यान में रखें स्कूल के टाइम पर, और स्कूल से बच्चे लोग को डायरेक्ट बोलें कि स्कूल जाएं, स्कूल से डायरेक्ट घर आएँ, और ज़्यादातर इधर उधर घूमा फिरा ना करें। बच्चे लोग का पता नहीं चल पा रहा है और पुलिस छानबीन में लगी हुई है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को अब यहीं करते हैं समाप्त।